दूसरे कार्यकाल के लिए राजन के ना कहने के बाद पीएम ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा राजन की देशभक्ति पर कोई शक नहीं, काफी बेहतर रहा राजन का कामकाज। राजन पर स्वामी के हमले को बताया गैर जरूरी। बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया झटका। मुंबई में एमरजेंसी पर स्वामी के लेक्चर को रद्द करने का दिया आदेश। कालाधन पर पीएम की चेतावनी के बाद हरकत में वित्त मंत्रालय। अरुण जेटली ने कल शाम बुलाई अहम बैठक। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा 30 सितंबर तक ब्लैक मनी का करो खुलासा, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। ब्लैक मनी पर पीएम की सख्त चेतावनी के बाद आईटी विभाग ने भी की तैयारी। अपनी वेबसाइट पर लगाया टाइम बॉम्ब। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीबीडीटी चेयरमैन 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा नहीं करने पर फटेगा बॉम्ब। ₹2 लाख तक के कैश पेमेंट पर नहीं कटेगा टैक्स। सीबीडीटी की सफाई। बजट में जेटली ने 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट पर 1% टीसीएस लगाने का किया था ऐलान। ब्रेक्सिट के झटके से संभला बाजार। सेंसेक्स 5 अंक और निफ्टी 6 अंक की बढ़त के साथ बंद। हेल्थकेयर, कैपिटल गुड्स, रियल्टी शेयर्स में खरीदारी। आईटी और टेक शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव। एनएससी की लिस्टिंग का रास्ता साफ। एनएससी बोर्ड ने लिस्टिंग को मंजूरी दी। ओएफएस के जरिए बेची जाएगी हिस्सेदारी। जनवरी 2017 तक दाखिल करेगा डीआरएचपी। सोने की कीमतों में 200 से ज्यादा की तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव 31,000 के ऊपर टिका। विदेशी बाजार में सोने की कीमतें $1,300 प्रति औंस के ऊपर। इंटरनेट टेलीफोनी के लिए मौजूदा नंबर सीरीज का इस्तेमाल कर सकती रिलायंस जियो। दूरसंचार विभाग ने खारिज की सीओएआई की मांग। सीओएआई ने मौजूदा नंबर सीरीज का इस्तेमाल बताया था अवैध। रिलायंस जियो ने 4 रंगों में लॉन्च किया स्मार्टफोन लाइफ अर्थ 2। 21,599 के फोन में 4G कनेक्टिविटी के साथ 5 इंच स्क्रीन और 32 GB मेमोरी। वॉइस कमांड पर चलता है कैमरा। 1 जुलाई से ₹251 में स्मार्टफोन की डिलीवरी करेगी रिंगिंग बेल्स। 2 लाख फोन डिलीवर करने का दावा। फोन पर कंपनी की लागत ₹1,180। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आपके 21 विधायकों को चुनाव आयोग का नोटिस। 14 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया। सदस्यता पर लटकी तलवार। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी खारिज। 11 जुलाई तक भेजे गए जेल। यूपी में अखिलेश मंत्रिमंडल की 7वीं बार किया गया विस्तार। बनाए गए 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। समारोह में नहीं पहुंचे शिवपाल और आजम। केराना को लेकर अमित शाह ने सीएम अखिलेश पर किया वार। पूछा क्या ओबामा संभालेंगे यूपी की कानून व्यवस्था। पंपोर हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने की मांग। अब अर्धसैनिक बलों में भी मिलेगा शहीद का दर्जा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पंपोर हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट। हमले के बाद फरार हुए 2 आतंकियों की तलाश। चौकस हुई दिल्ली पुलिस। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर हिना रब्बानी का हमला। कहा लड़कर कभी नहीं ले सकते कश्मीर, सिर्फ बातचीत है समाधान। इंटरनेशनल फुटबॉल में अब अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नहीं दिखेगा जादू। चिली के खिलाफ मिली खिताबी हार के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा।